नमस्कार साथियों, आप सभी का ICT मीडिया में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर माहौल चलाओ है चुनाव का। पहला चरण खत्म हो चुका है 28 सितंबर, दूसरा चरण चल रहा है 3 अक्टूबर का है। तो उसी चरण के आधार पर हम पहुंचे हैं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू और गांव है इस्माइलपुर और झारोड़ा, और साथ में जुड़ा हुआ है जैतपुर। तीन गाँवों को लेकर के एक पंचायत है, और पंचायत जो है वो है यहाँ पे झारोड़ा। झारोड़ा पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं पूनम जी, और वाइफ ऑफ मनोज जी जो इस्माइलपुर से हैं। तो इनका चुनाव में आने का क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं इनके, किस बात को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, या सिर्फ शौक है, और एक अगर बात करते हैं तो देसी कावर में सिर्फ चौधर लेना चाहते हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे जी। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर। नमस्ते मेरे बड़े बूढ़े सब भैया, आप युवाओं को भी मेरे इतना सम्मान देने के लिए कि मेरे को। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे लेकर के आप चुनाव उतरे हैं, क्या कमी लगी है इन तीनों गांवों में आपको कि उसको आप पूरा करने वाले हैं? जी, कमियाँ तो बहुत हैं। देखो, सरकार इतनी सुविधाएँ देती है जो कि मेरे गाँव तक पहुँच नहीं पाती हैं, और मेरे गाँव के भाई बड़े बूढ़े हैं या भाई परिवार ही समझ लो, मेरा तीनों गांव से कोई वो नहीं है कि मेरा एक इस्माइलपुर ही गांव है। मेरी पंचायत में तीन गांव आते हैं, मेरे लिए तीनों मेरे घर जैसे ही हैं। और जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो मेरी पंचायत में पहुंच रही हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं रही हैं। अच्छा, तो यानी कि आपके अनुसार वो पंचायत तक तो पहुँची है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँची? जी जी, सरकार दे रही है पर हो सकता है कि भाई लोगों तक, हो सकता है उनको पता भी है, पहुँच भी रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। जी, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, जो कि बहुत बहुत सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। जी जी, एक घर में पानी बिल्कुल ही नहीं आता है, औरतें इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, ये समझ लो आप पानी को लेके। तो आप क्या करोगे पानी के लेकर के, किस तरह की सुविधा करोगे आप पानी को लेकर के? आप जैसे पानी की सुविधा के लिए अपन जैसे बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फिर हर इंसान को, मतलब हर जो लेडीज़ हैं अपने, स्पेशली महिलाएँ होती हैं जो पानी को बचा सकती हैं। अब आप एक फिल्टर पानी को ले लीजिए, फिल्टर पानी अपना चौथा हिस्सा जो है वो पीने में यूज़ करते हैं। हाँ। तीन हिस्सा पानी अपन वेस्ट करते हैं जी। तो उसको जागरूक करना पड़ेगा कि तीन हिस्से जो पानी के, उसे आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं। तो तीन गुना जो अपन पानी वेस्ट करते हैं उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये सिखाना मेरा काम है। तो ये भविष्य में ऐसी परेशानी बार बार नहीं आए। मैं एक तो पॉइंट पे बात करना चाहूँगा जी। वैसे तो हम दुआ करते हैं मालिक से और पूरे आपके गांव के सभी साथियों से, वोटरों से, कि आपको एक प्रत्याशी के रूप में लेकर के आए। फिर भी अगर कहीं ना कहीं ऐसा हो ना हो कि भाई आपको नहीं चुना गया या फिर आप नहीं आ पाते, क्या ये पानी बचाने वाली जो बात आपने कही है, क्या इसको लगातार आप लेकर के आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है आप जैसा समझ रहे हैं कि अपना अपना अपनी एक सोच होती है जी। जिसको लेकर अपन मन में बिठा लेते हैं कि भाई ये ऐसे हैं, लेकिन जब तक मैं, ये पूरी कोशिश रहेगी, मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं सेवा करूं जी, भाई अपने गांव की सेवा करूं मैं। तो सेवा भाव जब लेके चलते हैं तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखते कि भाई मेरे को चुना जाए तभी मैं करूँ। बिल्कुल, अब तक मैं चुनी नहीं गई हूँ, लेकिन आज मेरे को 8 महीने हो गए। तो आप मेरे गांव से पूछिए कि भाई, मेरे गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें ही बैठी हैं, चाचा ताऊ भी हैं, सबसे पूछिए बीमारी में सबकी हेल्प करना, कैसे हेल्प की जाती है अपने घर से। और सरकार से भी भाई देखो, अभी नहीं आया इतना कुछ, लेकिन फिर भी हमने सब ने साथ मिलके जोड़ के दान इकट्ठा करके, जो भाई सक्षम नहीं थे उनके घर पर राशन पानी भिजवाना, पूरे गाँव में, तीनों गाँव में सैनिटाइज़र करवाना, और बीमारी को लेके भाई उनकी भाई मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, ये यानी कि COVID-19 टाइम के अंदर आपने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, युवा साथी हैं हमारे देश के भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद में बहुत सारे युवा साथी हैं जो आज एक तरह से सक्षम हैं लेकिन रोजगार नहीं है जी। और उनके लिए आप किस तरह के आयाम पैदा करेंगे गाँव के अंदर? जी, गाँव के अंदर जैसे अभी मनरेगा चल रहा है और भी आगे आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आज 5-6 महीने हो गए अपन कोविड से लड़ रहे हैं, कामयाबी भी लेंगे, लेकिन कई मेरे भाई युवा जो साथी हैं उनका रोजगार छूट चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि समय बहुत बलवान होता है और हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हम सब मिलके ऐसा करेंगे कि भी जिसको ड्राइवरी आती है, अपने गांव में बस की सुविधा नहीं है, ऑटो की सुविधा नहीं है, उसको भी लेकर के आएंगे, फिर जैसे भी आगे आगे बढ़ेंगे तो जैसे मेरे रिटायर्ड भाई ताऊ जी हैं और भी हैं, तो जिनके पास कोचिंग के पैसे भी नहीं हैं, बच्चे ऐसे भी हैं, तो उनकी हम टीम भी तैयार करेंगे कि भी वो अपना समय दें और कोचिंग अपने गाँव में भी चले जी। कई बच्चे ऐसे भी जो खेल में बहुत अच्छे जा सकते हैं, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उसके लिए ये हो कि भाई रिटायर्ड जैसे अपने फौजी हैं ताऊ जी ताई जी भाई ताऊ जी हैं दादा जी हैं जी। तो वो अपना समय जो है उनको दे जी, बगैर फीस के जी। ये आप समय वो देंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, सही बात है, बट उनके लिए स्टेडियम की क्या विचार किए हैं आपने प्रत्येक गाँव के अंदर? प्रत्येक गाँव के अंदर यही है कि भाई खाली जमीनें जैसे पड़ी हैं उसमें अपन स्टेडियम भी बनाएंगे, सरकार से भी सुविधा लेंगे, और खेल के प्रति ये नहीं है कि माँ बाप की भी एक सोच हो जाती है कि आजकल बच्चे किताबी कीड़ा बन चुके हैं, तो उससे दूर हट के जिस बच्चे का जिस चीज़ में टैलेंट है आप उसकी तरफ उसको लेके जाइए, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए, उसके माँ बाप को भी अपन समझाएंगे और बुजुर्ग भी हमारे साथ रहेंगे, तो इससे काफ़ी इंप्रेशन बढ़ेगा। और मेरी सोच यही है कि लड़का हो चाहे लड़की, हम उसको घर में दबा के नहीं रखेंगे। मैम हम जिस क्षेत्र में रहें, इट मीन्स आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर सबसे भारी समस्या दो चीज़ों की, एक तो पानी की, मतलब कृषि के पानी की, और सही तरीके से जो किसान लोग हैं जो हमारे अन्नदाता हैं उनको बीज की उपलब्धि नहीं होती है, और एक ये क्वेश्चन आता है कि वो आवारा जो जानवर हैं जैसे कि गाय हो गई या और भी जैसे कि अलग अलग नील गाय हो गई, तो ये जो तीन मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए हैं, पानी की जो सुविधा नहीं है, किसानों के बीज की, और जो आवारा पशु है उनके लिए किस तरह की आप सुविधा करेंगे? आवारा पशुओं के लिए भाई अभी देखो गौशाला की भी सोच रहे हैं, लेकिन जब भाई मेरे को मौका मिलता है, अकेली मैं इस चीज़ में नहीं सक्षम हुई हूँ अभी, लेकिन मेरे को अगर मेरा गाँव मौका देता है तो मैं सबके साथ मिल के गौशाला का भी प्रबंध करेंगे, चौकीदारी का भी करेंगे भाई, नील गाय हैं, जानवर हैं, देखो जानवर का कोई घर नहीं होता है, उसका अपना खेती घर है, चाहे वो मेरा हो आपका हो किसी का भी हो, तो जब उनको चारा खाना पीने सब मिलेगा, तो वेस्टेज खाना भी होता है, जानवर छोड़ते भी हैं, तो उसको फेंकने की बजाय हम उनको दान करेंगे जिससे उनका भी पेट भरेगा, तो धीरे धीरे करके हम विकास की तरफ उनको लेके भी जाएंगे, और हमारा जानवर जो है वो गौशाला में भी रखेंगे, जमीन है उसकी भी बात करेंगे भाई, जमीन में गौशाला खोलेंगे, तो कई भाई हमारे जो ताऊ जी हैं चाचा जी हैं जो भाई इस चीज़ में सेवा भाव रखते हैं, तो हम उनको भी वहाँ पे रखेंगे। तो ये ठीक है आपके जो विचार हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आपके विचार हैं सक्षम रहें, बने रहें, और इनको आप आने वाले 5 साल के अंदर लोग भी धरातल पे इन चीज़ों को देखें जी। बात ये है मैम कि चाहे वो MP से लेकर के और एक पंच तक के चुनाव की बात करते हैं, चुनावी माहौल में आ जाते हैं, आने के बाद में बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं विपक्ष वालों के, और बड़े बड़े घोषणाएं भी कर देते हैं, जिस जिनमें कुछ मुद्दे आपके भी, आपने भी घोषणाएं की हैं, जैसे कि चैनल के माध्यम से बताया है लोगों को मैं बहुत कुछ करने वाली हूं, और ऐसा तो नहीं है कि बरसाती मेंढक की तरह हैं? नहीं जी, ये तो जब तक देखो लगता ही है वो, मैं कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे कि आते हैं चुनाव के अंदर ये वो ऐसा वैसा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, उसके बाद में बन भी गए ना तो कुएं के मेंढक बन जाते हैं, यानी कि एक दायरे में रहते हैं, उसी के हिसाब से पहचानते भी नहीं भाई आप कौन थे। जी 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 बिल्कुल, देखिए आपने, मैं तो समझती हूँ सब, क्योंकि मैं इसी गांव से हूँ, मैंने वो परेशानियाँ झेलनी है, इसलिए शायद मेरे अंदर आज ये हिम्मत आई है, और मैं चाहती हूँ कि हर महिला ऐसी बने मेरी तरह, आवाज़ उठाए अपनी, ऐसा नहीं है कि भाई आप घर में बस खाना बनाने के लिए हो, मेरा ये मानना है कि एक महिला घर चला सकती है तो प्लेन तक चला सकती है, चांद पर भी जा सकती है। प्लेन तो चला रहे हैं, चांद पे जा भी चुके हैं, वैसे भी जा चुके हैं, महिलाएं तो आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। हाँ जी, बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। और नेता देखो इंदिरा गांधी भी थे, और बरसाती मेंढक तो आप बिल्कुल आपने देखे हैं, ऐसे जानते भी होंगे। मैं तो सीधा सवाल करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं हटे आपको ना हट किया होगा ये बात कि भाई मेरे को किसी के बहाने में बरसाती मेंढक मेरे को बताया गया, लेकिन देखो ये सच्चाई है, मैं धरातल की बातें बोली है मैंने आपसे, है ना। आज मेरे को 8 महीने हो गए इस भाई तीनों गांव में काम करते हुए। बड़ा क्वेश्चन है, आप ही के बात तो ऐसे निकला है, 8 ही महीने के, उससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले जी मेरे पास मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी भी थी, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अपन आगे, जैसे मेरी गांव ने मुझे चुना है मेरी काबिलियत देख के, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी जी। और मैं तो ये चाहती हूँ आप 8 महीने मत देखिए, आप गाँव वालों ने मेरे को 8 महीने नहीं, मेरे को 5 साल दिए हैं, 5 साल नहीं, मैं पूरी जिंदगी दूंगी मेरे गाँव को जी। बहुत ही अच्छी, एक बहुत बढ़िया बात है।
मैम क्वेश्चन बन रहा है, प्रत्याशी आपके सामने और भी खड़े हैं, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, आप ही को क्यों चुने? ऐसा क्या है कि देखो मुद्दे जो लेकर के आप आए हैं, क्वेश्चन जो आपके हैं, ये सॉरी जो पॉइंट आपके हैं, भाई ये काम मेरे को करने हैं, सारी चीज़ करवाऊंगी, ये तो उनके भी होंगे, क्लियर है भाई, उनके भी नज़र में होंगे कि हमें ये करवाना, हो सकता है उनके एक दो फालतू होंगे, एक दो कम होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ही हो, क्यों क्यों चुने गाँव वाले? तो जी सरपंच तो देखो एक ही होता है, हाँ, सरपंच एक ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं आत्मविश्वास होगा किसी न किसी रूप से, कोई ना कोई तो एक आत्मा में मतलब शांति होगी, भाई हम इसको क्यों दे वो? जी जी बिल्कुल, ये तो देखो ये मेरे लिए नहीं है, ये आप दर्शकों और आपके गांव वालों के लिए बताओ कि आप मुझे क्यों सुने। हाँ जी, क्योंकि मैं बड़े बूढ़ों की तो बेटी लकड़ी सहारा, मतलब जो लकड़ी होती है अंधे की, वो बनना चाहती हूँ, और युवाओं का एक भाई आस बनना चाहती हूँ, और बच्चों के लिए उनके सर पे हाथ रखने वाली माँ बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे चुने, मुझे बनना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम आपका कि आपने ये सारे पॉइंट बताए, और हम तो चाहते हैं कि जैसे कि आप बन भी जाओगे तो इनको आप धरातल पे उतारो और इनको एक गांव के अंदर अच्छे आयाम पैदा करो, गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया कार्य करी। अभी आप अपने क्या अपील करना चाहेंगे, आप अपने गाँव वासियों से, तीनों गाँव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बहन भाई, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, जो भी हैं, आप प्लीज़ मेरे को एक बार एक मौका दे के देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, और मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बिल्कुल नहीं बनूंगी। आज से 5 साल बाद में हो सकता है मेरी जगह कोई और भी खड़ा होगा, तो मैं अपना नहीं, आप लोग मेरा उदाहरण देंगे कि मुझे, हमने हमारी बेटी को ऐसा जिताया था, तो सरपंच बने तो कोई इसके जैसा बने। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका, दर्शकों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।